हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ऐसे कुछ खूबसूरत से पौधे जिनको हम सितंबर के लास्ट वीक में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इन पौधों को अपने गार्डन में फ़िलहाल ऐड करते हैं तो इन पौधों का जो है हमें कई तरीके से फ़ायदा भी हो जाता है अपने गार्डन में ऐड करने का। तो हमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक तो प्लांट सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं, अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं, कभी भी हमारे गार्डन से ये नहीं जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, हमारे गार्डन की खूबसूरती को भी ये बनाए रखते हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत ये लगते हैं। और फ्रेंड्स, एक पौधे से ही हम इनके अनेकों पौधे भी बना लेते हैं, खुद ही बन जाते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और एक ही बार हम इनको ख़रीद कर लेकर आते हैं, दोबारा हमें इन पौधों को ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे प्लांट हैं जो हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं, सालों साल हमारे गार्डन में इनके पौधे बने रहते हैं। और एक पौधे से ही हम इनके अनेकों प्लांट भी बना लेते हैं, खुद ही बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक लिली प्लांट की। वेरीगेटेड लिली प्लांट जो होता है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो है फ्लावरिंग भी बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में होती रहती है। तो आप इसको जो है अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ये एक बल्ब से भी ग्रो किया जाता है। इसके जो पप निकलते हैं, आप इनको छोटे छोटे इनके जो पप निकलते हैं इनसे भी ग्रो कर सकते हो। और इनके नीचे जो कंद बैठता है, आप इसको उससे भी ग्रो कर सकते हो। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि आप इसका एक पौधा लेकर आएंगे और आप देख सकते हो कितने प्लांट ये हमारे गार्डन में बना देते हैं एक ही पॉट के अंदर। तो ऐसे पौधों को हमें जो है अपने गार्डन में फ़िलहाल बिल्कुल ऐड कर लेना चाहिए, जिसका हम एक ही पौधा लेकर आते हैं और एक पौधे से ही काफ़ी सारे प्लांट हमारे गार्डन में इनके बन जाते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगी फ्रेंड्स यहाँ पर स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट जो होता है बहुत सी वैरायटी में आता है। मेरे पास इसकी 3 से 4 वैरायटी हैं फ़िलहाल उपलब्ध हैं, तो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती भी रहती हूँ। फ़िलहाल ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है मेरे टेरेस पर, तो अभी देख सकते हो इसमें से कितने बल्ब बेबी प्लांट इनके निकले हुए हैं। तो हमें इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। तो क्योंकि एक पौधा मैंने इसमें ग्रो किया था, तो इसके कितने बेबी प्लांट निकल चुके हैं ये देख सकते हो। तो इसका भी हमें बहुत ही फ़ायदा रह जाता है अगर हम इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं। तो एक पौधे से ही अनेकों प्लांट बन जाते हैं और सालों साल परमानेंट इसी तरीके से हमारे गार्डन में ये बना भी रहता है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए बिल्कुल ख़रीद कर लेकर आ सकते हो। फिर चाहे आप इसकी शॉर्ट वैरायटी खरीदें या आप इसकी लॉन्ग वैरायटी खरीदें, आपको जो भी मिलती है, जो भी खूबसूरत लगती है, वही लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करते हैं रियो प्लांट की। रियो प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके बहुत सारे बेबी प्लांट बने रहते हैं। अगर आप इसका एक ही बल्ब जो है आप इसका लेकर आ जाते हो, एक ही पौधा इसका लेकर आ जाते हो, एक पौधे से ही आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट बना देते हैं और सालों साल चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। आप इसकी चाहे हैंगिंग बास्केट बनाएं या आप इसको पॉट के अंदर ग्रो करें, तो दोनों में बहुत ही खूबसूरती ये ऐड करते हैं हमारे गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी अपने गार्डन में लेकर आ सकते हो। जो डबल शेड में इसकी जो लीव्स होती हैं वो कलर बनाए रखती हैं, इधर से ग्रीन और यहाँ से, तो आप इसको अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवन ग्रास प्लांट की। रिवन ग्रास प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट रहता है। यहाँ पर देख सकते हो कितनी खूबसूरत इसकी जो लीव्स रहती हैं ये लगती हैं देखने में। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए लेकर बिल्कुल आ सकते हो। इसके भी बेबी प्लांट इसी तरीके से बने रहते हैं। एक पौधा आप इसका लेकर आओगे और इतने प्लांट आपके गार्डन में ये बना देंगे कि पूरे पॉट को आपके कवर कर लेंगे। कितने ही प्लांट आप इसके बना सकते हो आप पर डिपेंड करता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन के लिए लेकर आ सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, जिस पर देख सकते हो ग्रीन और वाइट कलर में इसकी शेड बनी रहती है। तो ये प्लांट भी बहुत सारे बेबी प्लांट अपने बनाते ही रहते हैं हमारे गार्डन में। तो इसको भी आप अपने गार्डन के लिए फ़िलहाल बिल्कुल लेकर आ सकते हो, जो ये आपके गार्डन को भी खूबसूरत बनाएगा और सालों साल परमानेंट ये आपके गार्डन में बना भी रहेगा, अगर आप इसको एक ही बार अपने गार्डन में लेकर आते हो तो। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर एलोवेरा प्लांट की। एलोवेरा प्लांट जो होता है कई सारी वैरायटी में आता है। मेरे पास भी इसकी कई सी वैरायटी हैं, तो आप इसको भी अपने गार्डन में बिल्कुल लेकर आ सकते हो। आप इसकी देसी वैरायटी लेकर आइए, देसी वाली है,
तो चाहे हाइब्रिड वैरायटी लेकर आए, इसके भी बहुत से बेबी प्लांट इसी तरीके से बनते हैं जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। और एक पौधे से ही इसके देख सकते हो कितने बेबी प्लांट इसके बने हुए हैं। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए फिलहाल लेकर आ सकते हो और इससे अपने गार्डन को भी खूबसूरत बना सकते हो। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर रजनीगंधा प्लांट की। रजनीगंधा प्लांट जो होता है ये भी बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। आप इसको भी अपने गार्डन में लेकर आ सकते हो। एक ही बल्ब आप इसका लेकर आएंगे या आपको कहीं से ऐसे ही इसका छोटा सा बेबी प्लांट मिल जाता है, आप उसको ही अपने गार्डन में लगा दो तो ये ही आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट से भर देगा और आपका पोट भी पूरा कवर ये कर लेंगे। और एक पौधे से ही आपके गार्डन में अनेकों प्लांट बन जाएंगे। तो आप इसको भी अपने गार्डन के लिए लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है वेरीगेटेड लिली प्लांट, इसकी भी बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है ये भी हमारे गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स निकलती है, ये फ्लावरिंग भी हमारे गार्डन में करते हैं, पर जो है फूल से अच्छा फूल इसके इतने अच्छे नहीं आते हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है हमारे गार्डन में देखने में। यहाँ पर देख सकते हो इसके बहुत से बेबी प्लांट बनते हैं। आप इसको एक पॉट में ही इसके इतने बेबी प्लांट बन जाएंगे कि आप कितने ही पौधे इससे बना सकते हो और बहुत ही खूबसूरती हमारे गार्डन में बने रहते हैं। सालों साल चलता है, बहुत ही कम देखभाल में चलता है और आपके गार्डन की जो है खूबसूरती को भी ये बनाए रखता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन के लिए लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं ड्रेसिना प्लांट की। ड्रेसिना का जो पौधा होता है ये भी एक ऐसे ही पौधा होता है, इसके भी बहुत से बेबी प्लांट बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बेबी प्लांट इसके बने हुए हैं। तो आप इनको निकाल कर अपने गार्डन में इसको कहीं पर भी ऐड कर दोगे तो आपके गार्डन की बहुत ही खूबसूरती बढ़ाएगा और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट बना रहता है। जितना भी पुराना आपके गार्डन में पौधा होगा उतना ही हैवी प्लांट ये बनेगा और देखने में भी बेहद ही खूबसूरत ये लगेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो पॉट के अंदर ग्रो किया हुआ है, एक पॉट के अंदर कितने बेबी प्लांट और कितना खूबसूरत ये फिलहाल ऊपर तक बना हुआ है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए बिल्कुल लेकर आ सकते हो। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर अगेवा प्लांट की। अगेवा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है हमारे गार्डन में, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और कई कलर में ये आता भी है। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए बिल्कुल लेकर आ सकते हो, कहीं से भी आपको मिलता है। आप इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी लेकर आते हो तो वही आपके गार्डन में काफ़ी सारे पौधे बना देंगे। मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट इसका लेकर आई थी और उसी से देख सकते हो कितने प्लांट मेरे गार्डन में इनके जगह जगह पर हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने बेबी प्लांट बनाते हैं और उनके बेबी प्लांट को आप अलग अलग पॉट में डिवाइड करते रहें तो आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे यही बना देंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन के लिए लेकर बिल्कुल आ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ ऐसे खूबसूरत से पौधे जो बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं और हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते भी हैं और फ़ायदे भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमें थोड़ी से इनकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा भी मिलती है, उस रेंज में भी मिलते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि एक पौधे से हमारे गार्डन में कई सारे प्लांट भी बना देते हैं। एक पौधा अगर ख़राब हो भी जाता है बाई चांस पर इसके और प्लांट भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए जिनके में फ़ायदे फ़ायदे होते हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।